आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल मैप पे जो है अपना ऑफिस का एड्रेस या अपना शॉप या अपना रेस्टोरेंट होटल कैसे आपको ऐड करना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि इसमें ऐड करने का कितना ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपका होटल या ऑफिस अगर फेमस होता है, किसी को भी अगर वहाँ पे आता है, वो किसी भी जगह पे क्यों ना हो, वो गूगल मैप के जरिए बहुत ही आसानी से बिना किसी से पूछे आपके ऑफिस या होटल तक आराम से पहुँच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसमें ऐड करना है आपका ऑफिस का एड्रेस या रेस्टोरेंट या कुछ भी, ठीक है, तो वीडियो जो आपको पूरा देखना तो ही आपको समझ में आने वाला दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एरर भी आते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये जो मेरा गूगल मैप है ये इसे मैंने अपडेट किया है, ठीक है, तो आपको इसको अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूट का, आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आपने इतना कर लिया, इसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम है आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया व्यू योर प्रोफाइल, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इस पर क्लिक किया, फिर आपको क्लिक करना है प्रोफाइल सेटिंग पे। ठीक है दोस्तों, आपने इतना कर लिया, फिर आपको थोड़ा नीचे आना है यहाँ पे ऐसे, फिर दोस्तों यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है लोकेशन, ठीक है, लोकेशन इज ऑन, यहाँ पे आपका ऑफ लिखा रहेगा, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको इसे जो है ऑन कर लेना। मैंने इसे पहले से ऑन करके रखा है तो ये ऑन दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना आपने कर लिया, ठीक है, अब वापस बैक आ जाना, एक बार आपको क्लिक करना है कॉन्ट्रीब्यूट पे, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया है दूसरा वाला ऐड प्लेस, आपको इसी पे एक बार क्लिक करना होता है। ठीक है, फिर आपको जो है नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है जो भी आपका नाम रहे, आपके ऑफिस का नाम रहेगा, ऑफिस या स्कूल का या फिर होटल का, आप यहाँ पे पहले नाम लिख लीजिए उसका। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दोस्तों टाइप करना है कौन से कैटेगरी में आपका आता है, लाइक अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारा कैटेगरी शो करेगा, यहाँ पे लॉजिंग का है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, कैफ़े है, शॉपिंग सेंटर है, बार है, सुपरमार्केट है, जिस भी कैटेगरी में आता होगा आप वो कर लीजिए सेट। अगर आपको कुछ और कैटेगरी जो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आप दोस्तों यहाँ पे खुद से टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना आप कर लोगे, एक कैटेगरी वाला हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको जाना होता है आपका, देखो यहाँ पे एड्रेस है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एड्रेस होता है। दोस्तों देखो मैं बिना एड्रेस डाले मेरा यहाँ पे एड्रेस जो है आ जाएगा आपको, क्या अब मैंने जो मेरा जो लोकेशन है वो मैंने ऑन कर लिया है। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखो गूगल जो मैप दिया है, मैंने इसी पे एक बार क्लिक करता हूँ ये अपडेट पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया दोस्तों, और यहाँ पे देखो जो ये गोल सा दिया है मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहा है कि मेरा जो लोकेशन है यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे आपको फिर ओके कर देना है, ऐसे आप ओके कर दोगे तो जो भी आपका लोकेशन रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, यहाँ पे दोस्तों लिख के अपने आप जो है आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली यहाँ पे जो है एडिट कर लेना है इस एड्रेस को। ठीक है, आप ऐसे भी दोस्तों आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको एक बार चेक कर लेना है आपने जो यहाँ पे इसे किया वो सही है क्या नहीं। ठीक है, अगर वो सही नहीं रहेगा तो आप एक बार फिर से दोस्तों भी देखो, मेरे बगल में जो बिल्डिंग है उसका नाम भी यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, तो ये एकदम सही है, तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एकदम परफेक्ट एकदम करेक्ट मैं करके इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी ओके हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अभी एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट आया, मेरा वहाँ पे एड्रेस भी आ चुका है दोस्तों, रूम नंबर नहीं आया है। ठीक है, रूम नंबर तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ये लोग, आपको खुद से एंटर करना होगा जो भी आपका फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर, ऑफिस नंबर जो भी होगा आपको खुद से एंटर करना होगा। यहाँ पे खाली सेक्टर आ चुका है, एरिया का नाम आ चुका है, तालुका, नवी मुंबई, मार सब कुछ आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया ऐड फोन नंबर हावर्स वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके कौन से टाइमिंग तक आपका ऑफिस या आपका होटल चालू रहता है आपको यहाँ पे वो टाइप करना होता है। ठीक है, देखो मंडे ट्यूसडे यहाँ पे सब कुछ दिया है। ठीक है, आप जो चाहे आप वो चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि संडे को कौन से दिन चालू रहेगा, आप उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको संडे को बंद रहेगा तो संडे को मत क्लिक करना। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, इतना आपने कर लिया। फिर आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा ऐड कॉन्टैक्ट फोन नंबर में। ठीक है, अगर आपका वेबसाइट है तो आप यहाँ पे वो टाइप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना आपने कर लिया। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐड ओपनिंग डेट, किस दिन आपका ये जो है ऑफिस या होटल चालू हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐड फोटो, अगर आपको अपना फोटो ऐड करना है आपके रेस्टोरेंट का तो आप फोटोज़ भी जो है यहाँ पे ऐड आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोटो जो है सैंपल के लिए एक ऐसी फोटो ऐड कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इतना आप कर लोगे ना, यहाँ पे देखो एक राइट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एरो का, आपको इसी पे जो है क्लिक करना होता है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये अभी लेगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारा डिटेल जो है यहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना आप कर लोगे ना खाली, तो क्या है कम से कम 24 to 48 आवर के बीच में जो है आपका जो एड्रेस है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान बहुत ही इजी तरीका है। ऐसे आप जो है अपना होटल रेस्टोरेंट ट्यूशन जो भी आपका रहेगा आप उसे यहाँ पे ऐड करके अपना बिजनेस जो है बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू।